સુરતમાં કોરોના વાયરસના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે 3 મે સુધી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે પણ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારના પિયુષ પોઈન્ટ પાસે લોકડાઉન છતાં લોકો કામ વગર ઘરની બહાર નીકળતા આવા લોકો ઉપર પોલીસે લાલ આંખ કરી છે અને જાહેરનામાના ભંગ બદલ બાઇક ડિટેન કરવામાં આવી રહી છે। पूरी डिटेल हमारे पास अभी तक तो है नहीं, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड जो है 3 मई तक बढ़ाया गया है गुजरात सरकार ने और भारत सरकार ने। लोग जो छूटछाट रियायतें दी गई है उसका गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए अभी सूरत में काफ़ी लोग ऐसे ही मतलब राशन या तो आवश्यक एसेंशियल जो ज़रूरियातें हैं उनको पूरा करने के लिए जो छूट दी गई है उसका गलत दुरुपयोग करते हैं और फालतू में वाहन लेके निकल पड़ते हैं, जो कि उनको इमरजेंसी नहीं हो तब भी एक सामान्य बिल्कुल कोई कारण से भी दवा खाने का, ग्रोसरी का, दूध का कोई भी बहाना बना के निकल पड़ते हैं। और सरकार का आदेश भी है, जो छूट दी गई है उन व्हीकलों में भी फोर व्हीलर हो तो उसमें सिर्फ 2 ही बंदे बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और उसके पीछे की सीट में एक बंदा बैठ सकता है, और 2 व्हीलर हो तो एक ही बंदा बैठ सकता है, कुल ड्राइवर पीछे उसको पिलियन राइडर बिठाने का इसमें प्रावधान नहीं है, ड्यू टू कोविड का जो फैलाव नहीं हो और ख़ास करके सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें ये छूटछाट देने में इसमें कंडीशंस रखी गई है। तो पिछले कई दिनों से देखा गया था कि लोग बिल्कुल उसको लाइटली ले रहे थे, अब चूँकि केसेस बढ़ते हैं और नए नए एरिया हॉटस्पॉट्स भी बन रहे हैं और कुछ एरिया में काफ़ी हद तक हमारा जो है बढ़ाव फैलावा जो कोविड का है बढ़ गया है, इसलिए हमने पूरा लॉकडाउन का चुस्त पालन करने के लिए पूरे सभी कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि पूरे सूरत में लॉकडाउन का अक्षरशः पूरा संपूर्णतः पालन हो, तो इसलिए हम सुबह से वैसे काम चालू ही है, अब तक हमने काफ़ी वाहन डिटेन भी करे थे, लेकिन अभी 3 तारीख तक जो भी बंदा बिना कारण घूमने के लिए निकल पड़ता है तो उसका पूरा तफ्तीश होगी, तो पूरी इंट्रोगेशन होगा उसका, और वैसे वाहन हम पूरे डिटेन कर रहे हैं। और पब्लिक को हम अपील करना चाहते हैं कि आपकी जो ज़रूरियातें हैं, सब्जी हो, दूध हो, या तो कोई भी बीमारी का कोई कह नहीं सकते, लेकिन सब्जी या तो दूध है वो 2-3 दिन का, साथ में राशन भी 2-3 दिन का ले सकते हैं, कि सुबह और शाम दोनों तरफ दोनों दिन दोनों टाइम में राशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, 3-4 दिन का एक साथ खरीदी कर सकते हैं। तो अभी जितना दिन बाकी बचे हैं 9 दिन में पूरा
उसका स्वयंभू पालन करे, जनता भी पालन करे, और नहीं करे तो जो लोग कहीं 5% लोग हैं जो कि गलती करते हैं, इससे 95% लोग जो इन्फेक्ट हो वो हम नहीं चाहते हैं। और जनहित में हम मैक्सिमम व्हीकल जो गड़बड़ करते हैं उनके सभी वाहन हम डिटेन करने वाले हैं। थैंक यू। वाहन 24 घंटे डिटेन करने की कार्यवाही है, अब से लेके 3 तारीख तक जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और उसका कोई टाइमिंग नहीं है। बेवजह जो निकलता है वो उसका वाहन डिटेन होगा। अभी तक मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन कम से कम हर एक पुलिस स्टेशन 20-25 के एवरेज से वाहन डिटेन हो रहे हैं और हम उसका कोई लक्ष्यांक नहीं है, लेकिन जो भी बंदा उसका बंक करता है, जो भी पाया जाएगा, सही बंदे निकलते हैं, कभी कभी साथ में काफ़ी लोग एक साथ निकल जाते हैं, लेकिन कारण उनका सही है तो हम उसको छेड़ते नहीं है, उनको न तो हम रोकते हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज और सही में जो बंदा ज़रूरत है वो भले निकले, लेकिन इसके बहाने में बाकी लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग जो उसका फ़ायदा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके लिए ये सब हमने स्ट्रिक किया है। और जो भी बंदा निकलेगा वो उसका वाहन गलत तरीके से निकला होगा तो उसका डिटेन होगा। थैंक यू।